हेलो हेलो हाय, मैं आपका रिले गुरु। देखिए, यहाँ पे अगर बात की जाए फिजिकल इफिशेंसी टेस्ट के ग्रुप डी में, तो मेल कैंडिडेट के लिए आपको 35 kg का वेट उठाना है और 100 मीटर डिस्टेंस चलना है। कितने मिनट में? तो 2 मिनट में चलना है, और एक ही चांस में। आपको जो लोड है उसको आप पुट नहीं कर सकते। एक बार उठा लिए तो एक ही बार ले जाकर डेस्टिनेशन तक पुट करना है, आप उसको दोबारा नहीं रख सकते हो। और उसके बाद की जाए तो डिस्टेंस क्या है, 1 किलोमीटर है आपका, जो 1000 मीटर का मतलब 1 किलोमीटर। ये जो है 4 मिनट और 15 सेकंड में आपको पूर्ण करना है, दौड़ के करना है। तो आपको ये मेल कैंडिडेट के लिए बात करते हैं। फीमेल कैंडिडेट के लिए, तो फीमेल कैंडिडेट में क्या है जी, वही जो 35 kg हो, यहाँ पर कितना हो गया, 20 kg कर दिया गया है लेडीज़ के लिए, फीमेल के लिए। और 100 मीटर का दौड़ जो है 2 मिनट में इन लोगों को पूरा कर, सॉरी 100 मीटर का ये जो वेट है 20 kg, 100 मीटर इन लोगों को ले जाना है। और कितने मिनट में ले जाना है? तो 2 मिनट इन वन चांस विदाउट पुटिंग द वेट। हाँ जी, तो यहाँ पे वेट कम कर दिया है लेकिन दूरी वही है और समय उनका उतना ही रहा है। यहाँ पे 35 kg है मेल में, यहाँ पे 20 kg है, लेकिन डिस्टेंस कितना है, 100 मीटर ही है, 2 मिनट में पूरा करना है। उसके बाद बात की जाए तो इनका दौड़ जो है 1 किलोमीटर के लिए टाइम जो है यहाँ पे 4 मिनट 15 सेकंड था, यहाँ पे क्या कर दिया है, 5 मिनट और 40 सेकंड कर दिया गया है। तो अब बात करते हैं पीडब्ल्यूडी। तो पीडब्ल्यू, पर्सन विद डिसेबिलिटी आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम अपीयरिंग पीटी थी। ये क्या है, जो फिजिकल पीडब्ल्यूडी वाले हैं वो पीटी नहीं देंगे। आफ्टर क्वालिफाइंग सिबिलिटी सच कैंडिडेट विल हैव पास द मेडिकल एग्जामिनेशन प्रिस्क्राइब, और वो मेडिकल एग्जाम पास कर जाएंगे तो फिजिकल क्या है, उनको मान लिया जाएगा कि पास करके। बात करते हैं आपको फिजिकल फिटनेस में, तो मेन है यहाँ पे आपको दौड़ने में, देखिए प्रैक्टिस आपको डेली करना होगा क्योंकि आपको पैर में मोच आ सकती है, इसलिए आपको प्रैक्टिस पहले से ही कर किए रहना है, नहीं तो प्रॉब्लम आ जाएगी बाद में। आप उस समय दौड़ना स्टार्ट कीजिएगा तो पैर में आपको बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है, मोचे आ सकती है, इसलिए आप इस बात से सावधान रहें। और उसके बाद जो लोड की बात करते हैं, तो लोड को बैलेंस करना भी एक बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि विद इन टाइम जाना है। अगर आपका लोड आपका शरीर से गिर जाता है तो आपको डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो लोड को बैलेंस बनाना है और विद इन टाइम मेन फोकस करना है, तो आपको डेली प्रैक्टिस करना पड़ेगा। एटलीस्ट कम से कम 3 से 4 महीने प्रैक्टिस करनी पड़ेंगे, वेरी नेसेसरी है, क्योंकि आज भी पता है आपको मजदूर के भी बच्चे आजकल हैं, उन्हें भी लोड उठाने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो प्लीज़ मैं ये कहूँ, और ये 35 kg कम वेट नहीं है, गर्ल्स के लिए भी 20 kg का वेट कम वेट नहीं है, पहले तो ये कम था, अभी इसे बढ़ा दिया गया है। तो प्लीज़ आप लोग इंजॉय कीजिए, मज़ा कीजिए, और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, और तो उठाइए लुत्फ़ इस वीडियो का। थैंक यू सो मच।